हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा आज अभी क्या हुआ है, जो प्रीवियस लेक्चर हमारा आया है उसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ख़त्म किया है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। उससे पहले फिजिकल केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब ट्वेल्थ वाले बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर भी कुछ बहम होते हैं बच्चों के अंदर कि ये टफ है, ये कैसे तैयार होगी, ये सब चीज़ें। तो आपको बता दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक बहुत आसान है, और फिजिकल के कंपेरिजन में भी आसान ही कहेंगे, टफ तो है ही नहीं। मतलब अगर आप इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं तो इसको आप बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं, और लिमिटेड पोर्शन होता है, आराम से आप यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो वाला पार्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो हमारा तरीका रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले चाहे 11th क्लास का स्टार्ट करें हम, या 12th का स्टार्ट करें, या 13th बैच का, सबसे पहले पढ़ाते हैं GOC। GOC में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। GOC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या करते हैं, पढ़ने का पूरा तरीका आपको बता दें, उसके बाद पहला लेक्चर स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आएगा। GOC को भी हम चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक GOC 1 होती है, तो GOC 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन होता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन, अल्फा बीटा गामा कार्बन, ये सब। फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, और एक टॉपिक होता है प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जहां पर डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सब पढ़ा जाता है, या इसके अलावा वहां पर फिर एस्टीमेशन भी होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के एस्टीमेशन होते हैं। तो इनको हम रखते हैं GOC 1 में। अब थोड़ा अंतर देखो क्या आता है, जब हम 11th क्लास पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, तो इस वाले पार्ट को ये 13th बैच में नहीं पढ़ाया जाता है। ये 11th के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें कुछ नहीं आता होता है, तो उन्हें ही केवल पढ़ाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, ये भी केवल 11th वाले बच्चों को ही पढ़ाया जाता है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, ये चाहे 12th का बैच हो, चाहे 13th का बैच हो, चाहे 11th का बैच हो, सब में पढ़ाते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर भी सब में पढ़ाते हैं, और प्योरीफिकेशन एंड एस्टीमेशन, अगर 13th बैच है तब तो पढ़ाया ही जाएगा, और 12th के बैच में फिलहाल इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहा होता है, बोर्ड एग्जाम के बाद पढ़ा देते हैं इसको, प्योरीफिकेशन को। तो बच्चे जो केवल 12th की तैयारी करते हैं उनको तो ये पढ़ना ही नहीं होता है। ये वाला जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, ये सब में पढ़ना होता है, हर बैच में पढ़ना होता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये सभी को पढ़ना होता है, 11th 12th और 13th। प्योरीफिकेशन एंड एस्टीमेशन, ये हम 12th वालों को नहीं पढ़ाते हैं, जो केवल 12th फोकस करते हैं, और जो बच्चे 12th प्लस कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं उनको भी स्टार्टिंग में नहीं, 12th एग्जाम के बाद पढ़ा दिया जाता है। ये तो हमने GOC 1 की बात कर ली। तो जो 12th वाले बच्चों के लिए लेक्चर्स आएंगे वो स्टार्टिंग होगी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, IUPAC नॉमेनक्लेचर, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके यहाँ IUPAC आता है, हालांकि एक नंबर का ही आता है, लेकिन IUPAC अगर आपको नहीं आती है तो आगे भी बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए आपको यहाँ 12th में भी पढ़ाई जाती है। तो ये केवल 11th, ये 11th 13th को भी नहीं पढ़ाते, ये सब में पढ़ाया जाता है, और ये प्योरीफिकेशन वाला 11th का टॉपिक होता है वैसे, और कॉम्पिटिशन में तो 11th 12th दोनों से आता है, तो 11th में पढ़ाया जाएगा, 13th में पढ़ाया जाएगा, बट 12th में नहीं पढ़ाएंगे पहले, 12th में बाद में पढ़ाया जाएगा। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। देखिए 13th बैच का भी जो होता है वो 11th और 12th का अगर हम मिला दें सारा, तो कुछ चीज़ें तो कॉमन हो जाएंगी, बट जो अनकॉमन चीज़ें हैं वो भी अगर मिल जाएं तो 13th का बैच कंप्लीट हो जाता है। तो 11th 12th मिला के तो सारा हो ही जाना है। GOC 2 की अगर हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है GOC का, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स नाम सुने होंगे आप लोगों ने, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इन सब के बारे में बात होती है, ये हर बैच में पढ़ाए जाते हैं, 11th 12th या 13th। फिर यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन, 12th जो 12th में फोकस करते हैं केवल उनको शुरू में नहीं पढ़ाते हैं,
तो ये ट्वेल्थ वालों को हम फिलहाल नहीं पढ़ाएंगे शुरुआत में। एरोमेटिसिटी भी ट्वेल्थ वालों को नहीं पढ़ाई जाएगी क्योंकि ये इलेवंथ का टॉपिक होता है। कॉम्पिटिटिव वालों को तो पढ़ना ही होता है, वो बाद में होता है। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हालांकि इलेवंथ में पढ़ के आते हैं लेकिन यहाँ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आगे की आपको समझनी है तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ना पड़ेगा। तो अगर ट्वेल्थ के हिसाब से फोकस करें तो थर्ड वाला पढ़ेंगे हम लोग, ये फोर्थ पढ़ेंगे यहाँ पर जीओसी वन में। जीओसी टू में ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स 11th बैच से अगर आप लोग हैं तो वहां पर नहीं पढ़ाते हैं। 13th में तो सब कुछ होगा। 11th और 12th को अगर हम कंपेयर करें तो 11th वालों को एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ नहीं पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर उतना टाइम भी नहीं होता है वहां पे क्योंकि उनको 11th का भी कवर करना होता है। तो ये 12th में आ जाते हैं टॉपिक्स, 12th में पढ़ाएंगे, ये 11th में नहीं पढ़ाएंगे। फिर आती है GOC3। GOC3 आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म का 12th में रोल नहीं होता है, तो अगर 12th के अकॉर्डिंग देखें तो इसको हम लोग फिलहाल नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, 11th में पढ़ेंगे, 13th में पढ़ेंगे। और GOC4 की बात करें तो ये होती हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म। ये बहुत बड़ा पोर्शन होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म, ये केवल 13th बैच में अलग से पढ़ाते हैं। अगर स्टूडेंट 12th क्लास का है या 11th क्लास का है तो GOC4 नहीं पढ़ाते हैं। होता क्या है, जब उनके चैप्टर्स पढ़ते हैं, सपोज दैट हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, अब हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आएगी तो वहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की मैकेनिज्म को खत्म कर देंगे। अब 11th में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं आता है तो फिर 11th में नहीं पढ़ेंगे। जब 12th में कोई रिएक्शन आएगी, रिएक्शंस बहुत सारी हैं, जैसे अगर हम मेन बात करें, एडिशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, तो इनमें भी फिर डिविजन्स हो जाते हैं। एडिशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, फ्री रेडिकल एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। शुरू वाले दो 11th में होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 12th में होता है। तो जो रिएक्शन जहां पे आती है उसी टाइम पे वहीं पे उसकी मैकेनिज्म को पढ़ा दिया जाता है। तो ये इस तरीके से करते हैं। तो 12th वाले बैच में भी क्या होगा, 11th वाले बैच में भी रिएक्शन मैकेनिज्म एज सच नहीं पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन वहां पर जो रिएक्शन आएगी उसकी मैकेनिज्म पढ़ा देंगे, और यही बिल्कुल इसी तरीके से 12th में होगा। लेकिन अगर 13th बैच के होते तो ये टॉपिक बिल्कुल अलग से पढ़ा दिया जाता है, और अगर 13th बैच के होते हैं जब ये टॉपिक हम खत्म कर लेते हैं तो 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो चुकी होती है। ये बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। लेकिन 11th या 12th में ये टॉपिक हम GOC4 करके या अलग से नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि जो रिएक्शन जहां पे आएगी वहीं पे पढ़ाते हैं। तो जो रिएक्शन जहां पे होगी वहीं पे पढ़ाएंगे। इसलिए क्या होता है, केमिस्ट्री यहां तक अगर देखें, GOC2 तक देखें तो 20% के आसपास ही खत्म होती है, 80% आपको यहां से मिलेगी। इसके बाद बेटा होते हैं ये चैप्टर्स, जो चैप्टर्स होते हैं 11th में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाया जाता है, 12th में ये बाकी बचे हुए चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम मैनेज करेंगे। तो स्पेशली हम 12th पे अगर फोकस करें तो आपको 12th के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना होगा, पहले हम 12th को फोकस कर लेते हैं फिर 11th को करेंगे। 13th में तो सारा ही पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है यहां से लेकर यहां तक। अगर हम 12th को फोकस करें तो हम GOC1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको कार्बन का क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। इसके बाद हम GOC2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ाएंगे, और एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाएंगे। GOC3 यहां पर फिलहाल 12th में इसकी बात नहीं की जाएगी। GOC4 को भी हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स, और हैलोजन डेरिवेटिव्स में जो भी रिएक्शंस आएंगी, जैसे यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेन रिएक्शन है, उसके बाद एलिमिनेशन भी है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक यहां का ही पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और एलिमिनेशन है, उसको हम लोग यहां पर खत्म कर लेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी यहां पे आएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि 12th में हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, 12th में हम लोग ज्यादातर मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बट यहां अलग करके नहीं पढ़ेंगे, इसको हम चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे। तो ये तो हमारा रहेगा 12th का मैनेजमेंट। 11th की बात करें तो 11th में GOC1 ये पढ़ाया जाएगा, ये भी पढ़ाया जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारा पढ़ाया जाएगा GOC1 का।
जीओसी टू की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होंगे, एप्लीकेशंस में बॉन्ड लेंथ आएगी, एरोमेटिसिटी आएगी, ये स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आएगी, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग नहीं पढ़ेंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ही नहीं, केवल हाइड्रोकार्बन्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ जिनकी कंपेयर की जाती है वो वहां सिलेबस में है ही नहीं। जीओसी थ्री पूरी पढ़ी जाएगी 11th में, जीओसी फोर उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जैसे हम लोगों ने 12th में इसको डिस्कस किया था, और 13th में बेटा हम लोगों को ये सारा ही पढ़ना होता है। तो अभी जो हम लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे वो 12th के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है तो वो थोड़ा लेट शुरू होती है, तो वो एक महीने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा हमें क्या क्या पढ़ना है। ये पूरा कॉपी करने के बाद आप लोग जो 12thies हैं तो 12thies क्या करें, अपने अकॉर्डिंग कॉपी कर लें। जीओसी 1 में क्या क्या पढ़ना है उन्हें, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, दो टॉपिक। जीओसी 2 में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और उनके एप्लीकेशंस में स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, एसिडिक और बेसिक करेक्टर, ये नहीं पढ़ना है यहाँ पे। और फिर सीधे सीधे हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिट 10 है उनकी, हेलोजन डेरिवेटिव्स, एल्कोहल इथर फिनॉल और उसके बाद के ये चैप्टर्स। तो ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट, शुरू करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आराम से बहुत स्मूथली सब कुछ होने वाला है। बस आप लेक्चर्स को प्रॉपरली देखिए और जो आपको होमवर्क दिया जाए, जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएं, उनको आप कंप्लीट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।